डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वेक्टर विद द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या था कि हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, दैट विल बी टू डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं पहले वेक्टर की बात कर लेता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ वेक्टर्स निकालने हैं विच आर इक्वली इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना, इक्वली इंक्लाइन। तो कल मैंने जाते जाते तो मैं एक पॉइंट बताया था कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल इंक्लिनेशन एंड इक्वल एंगल, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे बताया था कि 2D डायमेंशन में, पहले मैं 2D डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, XY प्लेन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़े, कि लेट्स से दिस इज वन ऑफ द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल 45 एंड लेट्स से दिस इज अनदर लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल 135। तो मैं लेट्स से ये मैंने L1 बोला, ये L2 बोला, तो L1 L2 इज नॉट मेकिंग सेम एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना, बट आई विल से बोथ आर इक्वली इंक्लाइन। इक्वल इंक्लाइन मतलब क्या होता है, बेसिकली हम एक्यूट एंगल लेते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब देखना इसकी इसी के आधार पर पहले मैं नोट लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। नोट क्या होगा देखना ध्यान से, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल एंगल अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, देन मतलब मैंने ऐसे लिखा, इफ टू लाइंस ऐसे लिख लो, इफ टू लाइंस मेक्स एन एंगल अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, लेट से विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ लेट से एक्स एक्सिस लिख लिया मैंने, विथ एक्स एक्सिस, देन दीज टू लाइंस आर सेट टू हैव इक्वल इंक्लिनेशन, देन दीज टू लाइंस आर सेट टू हैव इक्वल इंक्लिनेशन। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि मतलब जरूरी नहीं है कि एंगल बराबर हो, एक अगर अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा होगा, तब भी मैं बोलूंगा कि दोनों ही लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, करेक्ट। चलो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो इसने क्या बोला है कि लाइन मेक्स, लेट्स से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं बात कर लेता हूँ इक्वल एंगल की, हम इसको ना फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, और पार्ट्स बना देते हैं। तो पहले मैं बोल रहा हूँ वेक्टर की, देखना ध्यान से, वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल, मेकिंग इक्वल एंगल विथ एक्सेसिस, मैं प्लूरल फॉर्म यूज कर रहा हूँ, एक्सेसिस मतलब विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल, अभी मैंने इक्वल एंगल लिया है, फिर मैं इंक्लिनेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर कोई लाइन है, अगर जो हमने कल पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कल पढ़ा था हमने कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज वन। तो मैंने बोला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन, कल ही हमने देखा था। इसका मतलब क्या था कि जो लाइन है मेरी, या डायरेक्शन जो भी, वॉट एवर इफ यू कॉल इट एज अ वेक्टर और डायरेक्शन वॉट एवर, दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, और मैंने एक हवा में एक पॉइंट लिया, उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो बीटा है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है दैट इज अल्फा, एंड ये जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है दैट इज गामा। अब उसने क्या बोला है, द वेक्टर इज मेकिंग इक्वल एंगल, दैट मीन्स इक्वल एंगल मतलब क्या हो गया हमारा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक है। तो इधर से मेरा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन, तो इधर से आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स कॉस अल्फा इज प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिली, एक तो प्लस 1 बाय रूट 3, एक माइनस 1 बाय रूट 3। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो वेक्टर आने वाले हैं, एक वेक्टर क्या होगा देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, एक वेक्टर होगा सारे प्लस वाले, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऑल आर इक्वल्स टू प्लस 1 बाय रूट 3, मतलब हमारा हो जाएगा आई कैप बाय रूट 3 प्लस जे कैप बाय रूट 3 एंड के कैप बाय रूट 3। इसको मैं फिजिकली ही बताऊँगा कैसे आ रहा है, और एक होगा मेरा माइनस आई कैप बाय रूट 3 माइनस जे कैप बाय रूट 3 एंड माइनस के कैप बाय रूट 3, ठीक है ना। दीज आर माई टू वैक्टर्स विच आर मेकिंग इक्वल एंगल विथ ऑल द 3 एक्सेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो इसको इस क्वेश्चन को और समझने के लिए, फील के लिए क्या करो, यू जस्ट कंसिडर योर रूम,
ठीक है ना, जैसे कि मैंने डायग्राम से कल बताया था। और जो तुम्हारा एक कॉर्नर है बॉटम बेस पे जो एक कॉर्नर है उसको मैंने ओरिजिन माना, ठीक है ना, दिस इज माई ओरिजिन। और जो उस कोने से तीन एजेस निकल रही हैं, एक को मैंने एक्स एक्सिस माना, एक को वाई एक्सिस, एक को जेड एक्सिस, ये हो गया वो, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और छोटी सी उससे पहले, जैसे मैंने बोला कि जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, टू डायमेंशन में तो केवल दो ही एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो उधर मेरा क्या करता है बेसिकली, जैसे मैंने दो एक्सेस बनाई, लेट्स से ये एक्सेस और ये एक्सेस, तो इसने क्या किया, इसने पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, देखना, जिसको हम मैथ में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। इसी प्रकार अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पॉज करके सोचना, कि अगर मेरे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस हैं, तो ये तीनों एक्सेस मिला के हमारे पूरे स्पेस को कितने रीजन में डिवाइड करेगी, कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगी, या कितने रीजन्स में डिवाइड करेगी, जस्ट थिंक इट वंस, पॉज करके। अब मैं आ रहा हूँ इस पर, ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इतना लिख लेना, मैं इसका बता रहा हूँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि वेक्टर की क्या हो क्या रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस आई एम नाउ मूविंग। तो अब मैंने जैसे बोला कि तुमने एक कॉर्नर ले लिया रूम का, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जो मैंने अभी पूछा था तुमसे, इसका आंसर होगा 8। जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, वो हमारे पूरे स्पेस को टोटल 8 रीजन्स में डिवाइड कर देगी। अब कैसे समझेंगे ये 8 रीजन्स, वैसे तो तुम्हारा उसमें भी आएगा अपना केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स जब पढ़ते हो, तो आई थिंक पता नहीं अभी हुआ होगा या नहीं तुम लोगों का, तो उसमें हम स्ट्रक्चर्स वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उधर तुम लोगों को ज़्यादा बेटर फील आएगी। तो बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, कि लेट से तुम जिस रूम में बैठे हो वो तो एक एक कंपार्टमेंट हो गया, एक रीजन हो गया इन अमंग दोज 8 रीजन्स। अब देखो, जैसे जो तुमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिया ना, तो तुम्हारा जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन वाली वॉल है उसके पीछे एक रूम होगा, एक तुम्हारा जो एक्स जेड वाली वॉल है उसके पीछे एक रूम होगा, और एक जो तुम रूम में बैठे हो उसके डायगनली अपोजिट एक रूम होगा, जस्ट अपोजिट, नॉट डायगनली, अपोजिट एक रूम होगा। तो ये चार रूम आ गए एक फ्लोर पे, इन्हीं चार रूम के नीचे चार रूम। अब इसको तुम विजुलाइज करो खुद से, क्या क्या बोला मैं दोबारा एक बार और बोल देता हूँ। मैंने बोला कि जिस रूम में तुम बैठे हो उसका एक कोई भी कॉर्नर कंसीडर करो, दैट इज़ माई ओरिजिन। उस कॉर्नर से तीन एजेस पास हो रही हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ कंसीडर एक्स वाई प्लेन वाली वॉल, जो एक्स वाई प्लेन वाली वॉल है उसके पीछे एक रूम होगा, एक मेरा एक्स जेड वाली वॉल है, एक्स जेड प्लेन वाली वॉल है उसके पीछे एक रूम, और एक जिस रूम में तुम बैठे हो उसके अपोजिट एक रूम होगा। ये चार रूम होगा इस फ्लोर पे, और इसी के नीचे चार रूम। तो टोटल एक्स वाई जेड एक्सिस मेरे टोटल स्पेस को 8 कंपार्टमेंट्स में या 8 रीजन्स में डिवाइड कर रही हैं। आई होप समझ में आया होगा। अमंग दोज 8 रीजन्स या 8 कंपार्टमेंट्स, जिस रूम में तुम बैठे हो दैट इज़ वन ऑफ द रूम या दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं हम इस पे। इसका मतलब क्या हो गया? अब दिख रहा है ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ऊपर वाले वेक्टर में तो पॉजिटिव है 1/√3, इसका मतलब एक्यूट एंगल बना रही है। इसका मतलब क्या है कि जो, देखना ध्यान से सुनना, ये दो वेक्टर की मैं पोजीशनिंग बता रहा हूँ। एक तो वेक्टर होगा जो दिख रहा है इसमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा पॉजिटिव है, इसका मतलब एक वेक्टर ओरिजिन से तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक तुम्हारे रूम की तरफ। दैट करस्पॉन्ड्स टू दिस, दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल, लेट्स से कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3 विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक दूसरा जो वेक्टर है ना ये वाला, ये बेसिकली क्या है, कॉस इनवर्स -1/√3, और हमें पता है कॉस इनवर्स -1/√3 मतलब क्या होता है। मैंने बोला कॉस इनवर्स -1/√3, हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। तो अगर ये अल्फा है, मतलब अगर मैंने कॉस इनवर्स 1/√3 को अल्फा बोला, तो दिस इज पाई माइनस अल्फा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर तो अल्फा 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 एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, और ये वाला जो एंगल, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज ऑल्सो मेकिंग इक्वल एंगल, बट वो एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बी, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा, गेटिंग इट। तो वो वेक्टर क्या आएगा, तुम जो जिस रूम में तुम बैठे हो ना, इस वेक्टर को जस्ट जो वेक्टर तुम्हारे पास आया 1/√3 वाला, उसी वेक्टर को मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया एग्जैक्टली। तो क्या होगा, हमें कौन से कंपार्टमेंट में मिलेगा वो वेक्टर, तुम्हारे जस्ट अपोजिट वाले में नीचे की तरफ, ग्राउंड फ्लोर। जैसे मान लो हमने, तुम ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे, ऊपर वाले चार रूम बताए थे मैंने, उनके नीचे चार रूम, तो तुम जिस रूम में बैठे हो उसके अपोजिट नीचे वाले कंपार्टमेंट में जस्ट 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा वेक्टर। आई होप फील आई होगी।
ये तो हो गया हमारा क्या द वेक्टर, देयर आर टू वेक्टर्स विच इज मेकिंग एन एंगल विच इज मेकिंग इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो एंगल्स क्या है, एक जो वेक्टर है वो तो बना रहा है अल्फा अल्फा अल्फा, अगर मैंने इसको अल्फा बोला तो, if I am saying this is, let's say this is alpha, then one of my vector is making an angle alpha alpha alpha, and the second vector is making an angle pi minus alpha pi minus beta, sorry pi minus alpha and pi minus alpha. Getting it? अब आते हैं इसी के अंदर, देखना चार टोटल में चार, इसमें चार पार्ट्स बना रहा हूँ. अब देखना, अब दूसरा हो गया हमारा, ये तो टू वैक्टर्स आ गए. अब मैंने बोला लाइन्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स विच इज मेकिंग इक्वल एंगल, नंबर ऑफ लाइन्स इसी के अंदर, नंबर ऑफ लाइन्स which is making equal angles with coordinate axes. अब सोचो तुम, मैंने कहा number of lines which is making equal angles with coordinate axes, तो मुझे क्या बोले lines कितनी मिलेंगी, answer is one. क्योंकि दो वेक्टर्स जो है ना, एक जैसे अभी अपन ने क्या बताया, एक वेक्टर ये आ रहा है जो कि अल्फा 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 बना रहा है, और एक इसके अपोजिट आ रहा है, ठीक है ना, पीछे वाले कंपार्टमेंट में 180 डिग्री रोटेट करने के बाद. तो ये वेक्टर तो हमारे डिफरेंट है, ये डिफरेंट वेक्टर है, ये डिफरेंट वेक्टर है, बट लाइन का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो दीज टू वेक्टर करस्पॉन्ड्स टू वन लाइन, ठीक है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा वन लाइन. गेटिंग इट? तो ये तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ लाइंस विच इज मेकिंग इक्वल एंगल. बट अब मेरे को जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा था कल, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसमें तो क्या बोला था, इक्वल इंक्लिनेशन. तो इंक्लिनेशन के लिए तो भाई क्या होता है कि अगर एक जैसे कोई वेक्टर है, अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, और अगर वाई एक्सिस के साथ अल्फा ना बना के पाई माइनस अल्फा बना रहा है तो भी चलता, या फिर जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा बना ले और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना ले, चलेगा. तो अब मेरे नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने आएंगे, इसको लिख लो, पहले पॉज करो, इसको लिख लो, सोचो पॉज करके वीडियो. मैंने बोला कि अब मुझे नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख लेता हूं, नंबर ऑफ वेक्टर्स विच इज मेकिंग इक्वल एंगल, नॉट इक्वल एंगल, विच इज इक्वली इंक्लाइंड, ऐसे लिख लो, विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सोचो. अब मैं बोल रहा हूँ, लेट से ये मेरे ये तीन 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 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. अब मुझे पता है इक्वल इंक्लिनेशन मतलब अगर अल्फा है एक का और बाकी दो का पाई माइनस अल्फा है तो भी चलेगा, दो का पाई माइनस अल्फा है एक का अल्फा है तो भी चलेगा, तीनों का पाई माइनस अल्फा है तो भी चलेगा. तो ऐसे कितने वेक्टर्स मिल जाएंगे मुझे, तो अब मैं इसको बता रहा हूँ पहले तो फिजिकली, ऐसे मुझे टोटल आठ वेक्टर मिल जाएंगे, हर एक कंपार्टमेंट में एक वेक्टर. और उसको लिखूंगा कैसे, इस प्लेस को भरने के दो तरीके हैं पीएनसी से, टू वेज, मतलब कॉस इधर जो आएगा दैट इज कॉल एल, एल की वैल्यू, जैसे मैं एल एम एल ले रहा हूँ ना डायरेक्शन कोसाइंस, तो एल टू वेज की तरीके से भर सकते हैं, दैट इज प्लस वन माइनस वन बाय रूट थ्री, सिमिलरली दिस इज प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री, सिमिलरली दिस इज प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री. तो टोटल टू इंटू टू इंटू टू एट वैक्टर्स विल बी देयर, यू कैन नेम इट ऑल्सो, मतलब तुम निकाल भी सकते हो. कैसे लिखोगे, एक तो मैंने सारे प्लस वन बाय रूट थ्री ले लिए, एक मैंने साइड माइनस वन बाय रूट थ्री ले लिए माइनस वन बाय रूट थ्री, एक मैंने पहला पॉजिटिव लिया, दूसरा भी पॉजिटिव ले लिया, तीसरा नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना, फिर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, इन दोनों को पॉजिटिव ले, फिर दो दो को नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव लिया. तो टोटल देयर विल बी एट सच कॉम्बिनेशंस. एंड फिजिकली कैसे बोल रहा हूँ मैं, ऑल दोज एट वैक्टर्स कहाँ आने वाले, हर एक कंपार्टमेंट में एक एक वैक्टर, ऑल दोज वैक्टर विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल द थ्री एक्सेसेस, ठीक है ना. इक्वल एंगल वाले तो दो ही वैक्टर हैं, बट इक्वल इंक्लिनेशन वाले देयर विल बी एट सच वैक्टर्स, ठीक है ना, ये हो गया. अब मैं इसी पे आ जाता हूँ, वैक्टर्स की जगह मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स. तो जैसा कि मैंने उधर बताया था, दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिल रही थी, ठीक है ना, जैसे तो इधर क्या हो जाएगा, आठ वेक्टर्स हैं तो दो दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक एक लाइन मिलती जाएगी, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी, फोर. देयर विल बी फोर सच लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड विथ ऑल द थ्री एक्सेसेस, ठीक है ना, दो दो वैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग एक एक लाइन मिलती रहेगी, ठीक है. आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो.
अच्छा, अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन और बता देता हूँ, जरा सा छोटा सा पार्ट है तो लिख लो, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन कुछ नहीं है, इसमें बहुत छोटी सी चीज़ है कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन, ठीक है ना। फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, ठीक है ना, और तो ये मेरा क्या होगा ए बी वेक्टर, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, ए बी लेंथ का ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। अच्छा, इससे मैं एक चीज़ और इसमें कि जब हम ऐसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, जैसे मैंने लिखा वेक्टर ए बी, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, पी वी मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए, या फिर ऐसे लिख लो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बच्चे लोग इसमें भी गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, वो वेक्टर बी ए माइनस बी लिख देते हैं, बट ए बी इज ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी इज फाइनल डेस्टिनेशन, ए इज ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, गेटिंग इट। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब लेट्स से इसका अगर ए के कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन जेड वन और इसके एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है ना, तो मैं ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा, ए से बी वेक्टर क्या लिखूंगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, सिंपल, ठीक है ना। और अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज नथिंग बट ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कल ही देखा था हमने, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, दिस इज वॉट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन फार्मूला पे, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट इज इसके अंदर सेक्शन फार्मूला, सेम कहानी है, बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम देंगे एज कम्पेयर टू थियरी, थियरी में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले में क्या है, जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे एग्जैक्टली सेम, जैसे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x1 y1 लिया ये पॉइंट और इधर लिया x2 y2, x2 y2, तो लेट्स से मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है जो इसको लैम्डा x टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x कोऑर्डिनेट लिखना है तो लैम्डा x2, प्लस म्यू x1, म्यू x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम है, कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, क्या आ जाएगा दोबारा पॉइंट की जगह पोजीशन वेक्टर, मतलब लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है स्मॉल ए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल बी, अब मुझे इसमें इस वेक्टर पे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए मतलब उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, लेट्स से आई एम सेइंग इट सी, जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में, क्या बोला मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, नोट इट डाउन कि आई वांट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा टू म्यू, लिख लो इसको, फाइंड द या फिर पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट सी ऑन द लाइन ए बी या फिर ऑन द वैक्टर ए बी विच इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो लैम्डा टू म्यू, तो मैं क्या लिखूंगा सी का पोजिशन वैक्टर, लेट से मैं इसका सी का स्मॉल सी बोल देता हूँ, तो स्मॉल सी कैप, सॉरी नॉट कैप, सी वैक्टर का पोजिशन वैक्टर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बी प्लस म्यू वैक्टर ए डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू। अब मान लो मुझे मिड पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आई विल टेक लैम्डा एंड म्यू बोथ इक्वल मिड पॉइंट के लिए, तो मैंने कहा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा स्पेशल केस, मिड पॉइंट विल बी मतलब मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, मिड पॉइंट मतलब ऐसा नहीं पॉइंट, मिड पॉइंट से मेरा मतलब क्या है मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, ऐसे लिख लो मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा और म्यू को बराबर डाल दोगे या फिर वन वन डाल दो तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय, ठीक है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू, दिस इज व्हाट माय पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गेटिंग इट। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है ना, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ।
अब आ लेते हैं इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे सेंट्रॉइड देख लेते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, बाकी ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, दो दो तीन तीन बार हो चुकी है, बट फिर भी दो तीन बार कहाँ कहाँ हुई है, जैसे मेरे रिकॉल करते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, एक एसओटी में भी लिखवाई थी मैंने, ठीक है ना। तो अब लिख लेते हैं नेक्स्ट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। तो लेट्स से ये ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, ए बी सी, ए का पोजिशन वैक्टर स्मॉल ए, बी का पोजिशन वैक्टर स्मॉल बी, सी का पोजिशन वैक्टर स्मॉल सी, ठीक है ना। देन वॉट इज सेंट्रॉइड, सिंपली सेंट्रॉइड उसको डिनोट करते हैं जी से, उसका पोजिशन वैक्टर क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री, दिस इज वॉट पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है ना। याद रखना पोजिशन वैक्टर क्या होता है, मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन से ड्रॉइंग करने वाला वैक्टर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझको लेट से ये जी आया, ये मेरा जी आया, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ ओजी वेक्टर, मैं ओजी वेक्टर जरूरी नहीं है, जैसे डिपेंड करता है ओरिजिन कहाँ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ओजी वेक्टर को लोकेट करना है इसके अंदर, तो मैं सबसे पहले ओरिजिन देखूंगा, तो हो सकता है ओरिजिन जैसे अभी ये जो ट्रायंगल है, जैसे ये तो मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाया है, तो लेट से ओरिजिन बाहर भी हो सकता है। तो जैसे मान लो इधर हुआ बाहर, दिस इज नॉट इन द प्लेन, तो मैं क्या करूँगा, ओजी वेक्टर क्या होगा मेरा, जैसे ओए वेक्टर मेरा ये होगा, OB वेक्टर ये होगा, OC वेक्टर ये होगा, दिस इज माई OG वेक्टर, ये जो आया ना बेसिकली, दिस इज वॉट OG वेक्टर ना, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट G, तो दिस इज माई OG वेक्टर, ठीक है ना। वो इस प्लेन में भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। सिमिलरली इन सेंटर, तो इन सेंटर के लिए क्या होता था, क्या होता था, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में जब हमने देखा था, पहले वो वाला देख लेते हैं फॉर्मूला एक बार, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। मेरे में ए बी सी क्या होते थे, ए बी सी आर द साइड लेंथ। अब देखना, कन्फ्यूज मत करना, ये ए बी सी हमारे क्या होते थे, उस ट्राइंगल के साइड लेंथ। तो अब ध्यान से देखना, इसमें बच्चे लोग जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। लेट्स सी, ये पॉइंट ए है जिसका पोजिशन वैक्टर ए है, ये पॉइंट बी है जिसका पोजिशन वैक्टर स्मॉल बी, ये पॉइंट सी है जिसका पोजिशन वैक्टर स्मॉल सी। नाउ इफ आई से कि इसका मेरा इन सेंटर क्या होगा, देन क्या करोगे तुम, व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ दिस। तो इन सेंटर के लिए मैं क्या बोला, जो x1, y1, z, x1, x2, x3 है, इनकी जगह तो क्या आएगा, पोजिशन वेक्टर्स, और ए बी सी की जगह क्या आएगा, साइड लेंथ। ध्यान से दोबारा, कोऑर्डिनेट्स की जगह तो क्या आता है, पोजिशन वेक्टर, और ये ए बी सी जो इधर ए बी सी दी है ना, दे आर नॉट द पोजिशन वेक्टर, दे आर द साइड्स, क्योंकि मैंने ये तो कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखा है, टू डायमेंशन के लिए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूं, तो वर्टेक्स ए जो है उसके अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ विल बी बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। और बी सी वैक्टर क्या होगा, मैंने बोला पहले बी सी वैक्टर, चलो लिख लेते हैं बी सी वैक्टर क्या होगा, दिस इज क्या बताया था, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, एंड पोजिशन वैक्टर ऑफ सी इज सी माइनस बी। और लेंथ क्या होगा, बी सी लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी द लेंथ ऑफ बी सी वैक्टर। तो मैंने बोला बी सी वैक्टर मतलब का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी माइनस बी, गेट इट। तो बस अभी तक रख दो ए बी सी की जगह ये साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह मेरा क्या आएगा, ये साइड। तो मतलब ए की जगह तो लिखा मैंने मॉड ऑफ सी माइनस बी इन टू पोजिशन वैक्टर ऑफ ए दैट इज स्मॉल ए प्लस, अब लेट से बी लिखना है, तो बी मेरा इसके अपोजिट साइड, तो सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड इनटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी प्लस सी की जगह ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनटू सी डिवाइडेड बाय क्या होता था, साइड्स का सम। तो इधर आएगा मॉड ऑफ सी माइनस बी प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, गेटिंग इट। दिस इज व्हाट माय पोजिशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजिशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, गेटिंग इट। ये हो गया मेरा, याद रखना ये जो मेरे ए बी सी थे ना, इधर जो ए बी सी है दे आर द साइड लेंथ, तो उन ए बी सी की जगह तो मैंने साइड लेंथ लिखी मॉड ऑफ सी माइनस ए मॉड ऑफ सी माइनस बी मॉड ऑफ सी ए माइनस बी। और जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री थे दे आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी, तो उसकी जगह मेरा आएंगे पोजिशन वेक्टर ए बी सी। जल्दी बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए नहीं होगा, मॉड ऑफ ए क्या होता है, होगा मॉड ऑफ ए तो भाई वो होगा जो ओ ए वैक्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब वो तो डिपेंड करता है, मान लो ओ इधर है मेरा ओरिजिन, तो ओ ए वैक्टर तो मेरा ये होगा, दिस इज मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। मुझे तो ए मेरा क्या होता है,
वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला साइकिल है, तो इट इज मॉड ऑफ सी माइनस बी। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बाद। अब जैसे अब शॉर्ट में बता देता हूँ, अब अपना नेक्स्ट क्या होता था, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या आता था, साइड लेंथ की जगह 10a 10b 10c। चलो लिख लेते हैं, देखो ये मेरा ट्राइंगल है, लिख लो लिख लो, ए बी सी। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तो साइड्स होती हैं। और मेरे को अभी किसके किस फॉर्म में लिखना है, मैं इधर ए बी सी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मैं डायरेक्टली इसका लिख रहा हूँ वेक्टर वाला। तो ये पोजिशन वेक्टर ए, पोजिशन वेक्टर बी, पोजिशन वेक्टर सी। तो क्या आता था हमारा, सिग्मा एक्स वन टेन ए, तो मतलब ए क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर ए इंटू टेन ए प्लस वेक्टर बी इंटू टेन बी प्लस वेक्टर सी इंटू टेन ऑफ सी डिवाइडेड बाय क्या आता था, सिग्मा टेन ए। वेक्टर का एडिशन मत कर देना, वो तो क्वांटिटी गलत हो जाए। कभी भी हम वेक्टर डिवीजन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वेक्टर या तो एडिशन होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है, बट डिवीजन कुछ नहीं होता। तो नीचे ए प्लस बी प्लस सी मत कर देना जल्दी जल्दी में, इट इज टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ऑफ सी, दिस इज वॉट पोजिशन वैक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली पोजिशन वैक्टर ऑफ सर्कम सेंटर क्या होगा, टेन ए की जगह क्या आएगा, साइन टू ए, टेन की जगह साइन टू बी, टेन सी की जगह साइन टू सी। तो उसको भी लिख लेते हैं, वैक्टर ए इंटू साइन ऑफ टू ए प्लस वैक्टर बी इंटू साइन ऑफ टू बी प्लस वैक्टर सी इंटू साइन ऑफ टू सी डिवाइडेड बाई सिग्मा साइन टू ए। तो साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी, दिस इज वॉट मेरा पोजिशन वैक्टर, किसका, सरकम सेंटर का, पोजिशन वैक्टर ऑफ सरकम सेंटर। ठीक है ना, तो ये सब था उसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में। वो बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली डील क्वेश्चन में ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें एज कम्पेयर टू दिस थियरी पार्ट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार रिकॉल करो जो भी हमने आज आज पढ़ा। ठीक है, स्पेशली दैट होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, जस्ट ट्राई टू गेट फील ऑफ इट कि मतलब कैसे वो आठ वैक्टर्स आ रहे थे। ठीक है ना, और उसके बाद एक बार माइंड में ये रिकॉल कर लिया। ठीक है ना, और ये इसको जरूर याद रखा। ठीक है ना, वैक्टर ए बी को हम क्या लिखते हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर ये आएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, इधर ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। लिखो, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल लेट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज कैपिटल जी एंड मिड पॉइंट्स, एंड मिड पॉइंट्स, and midpoints of the sides, midpoints of the sides, midpoints of the sides opposite to, opposite to A B C D, I'm sorry, opposite to A B C is D E F, then prove that, then prove that first part sigma AG vector equals to 0 and second part sigma AD vector equals to 0. करो इसको, पॉज करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल, ठीक है, और दीज आर माय वर्टेक्स ए बी सी। ठीक है ना, चलो मैं इसका मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या बोला है कि सिग्मा ए जी वैक्टर इज जीरो, वी हैव टू प्रूव दैट। तो पहले सिग्मा को इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब ए जी वैक्टर क्या होगा, अभी क्या बताया मैंने, जैसे ए बी वैक्टर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा, या फिर चलो एक काम कर दो, जो सिग्मा आ रहा है वो ए के रिस्पेक्ट में आ रहा है, जी तो एक फिक्स है, सिग्मा ए जी मतलब ए जी वैक्टर प्लस बी जी वैक्टर प्लस सी जी वैक्टर। मतलब अगर मैं डायग्राम में बताना चाहूँ तो लेट से दिस इज माई सेंट्रॉइड जी, तो वो बोल रहा है ए से जी वैक्टर ये, बी से जी वैक्टर ये, सी से जी वैक्टर ये, इन तीनों का एडिशन इज नल वैक्टर, मतलब ये जीरो लिखना, इट्स बेटर टू राइट इट जीरो वैक्टर। ठीक है ना,
तो मैंने बोला कि ए जी वैक्टर मतलब सिग्मा ए जी मतलब क्या हुआ, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिखा ए जी वैक्टर प्लस बी जी वैक्टर प्लस सी जी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये मुझे प्रूव करना है, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना है। अच्छा, इसको मैं वैसे लिख रहा हूँ ओपन करके, मतलब ओपन करने से मेरा मतलब है जैसे अपन ने अभी बताया ए बी वैक्टर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो उसी प्रकार मैं इसको लिख रहा हूँ पोजिशन वैक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, फिर ये प्लस पोजिशन वैक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, फिर इसको पोजिशन वैक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी पोजिशन वैक्टर ऑफ जी पोजिशन वैक्टर ऑफ जी पोजिशन वैक्टर ऑफ जी, ये तीन बार आ गया। तो आई कैन राइट इट एज थ्री टाइम्स पोजिशन वैक्टर ऑफ जी माइनस, अब पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पोजिशन वैक्टर ऑफ बी और पोजिशन वैक्टर ऑफ सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दिस इज व्हाट पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ सी। अच्छा, अब मुझे पता है पोजिशन वैक्टर ऑफ जी क्या होता है। अगर मान लो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है जिसके पोजिशन वैक्टर्स ए बी सी है, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का पोजिशन वैक्टर अभी देखा हमने जस्ट क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। सो थ्री टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री वैक्टर्स है ये, और माइनस इधर लिखा है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी। तो दिस थ्री से ये थ्री कैंसिल, नाउ यू आर गेटिंग इट जीरो, हेंस प्रूफ। या फिर क्या करो तुम, अगर प्रॉपर लिखना है तो उल्टा जाओ प्रूफ करने के लिए, अगर मुझे इधर से इधर ना आके इधर से इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। गेटिंग इट, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इससे आसान क्वेश्चन सेकेंड वाला है देखा जाए तो। अगर मान लो मैंने पहला पार्ट कर लिया, क्यों आसान है, द रीज़न इज देखना ध्यान से, AD वेक्टर, AD वेक्टर क्या है बेसिकली, D इज व्हाट मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट D, तो मेरा AD क्या हो गया, मीडियन, मीडियन AD हो गया। तो मुझे पता है कि लेट्स से दिस इज सेंट्रोइड, ये G है, तो ये 2:1 होता है। अभी मैंने प्रूफ किया सिग्मा AG वेक्टर इज जीरो, सिग्मा AG वेक्टर इज जीरो, ये प्रूफ कर लिया मैंने। अब मैं AG को क्या लिख सकता हूँ, ए जी को एडी कटा से लिख सकता हूँ, दैट इज 3/2 टाइम्स ए जी वैक्टर ना। तो मतलब ये अगर 2x है तो ये मेरा x है, ठीक है ना। तो ए जी वैक्टर को मैं 2x लिख रहा हूँ, तो मेरा टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ए डी वैक्टर 3/2 टाइम्स। देखो एक बार, जो मेरा ए जी वैक्टर होगा दैट इज नॉट 3/2, उल्टा लिख दिया मैंने 2/3। जो पूरा लेंथ है ए डी वैक्टर, जो ए डी वैक्टर है, कैन आई से दैट इज 2/3 ऑफ, नहीं सही लिखा था, वेट सही लिखा था, दिस इज 3/2 टाइम्स, ऐसे लिखो, चलो ए डी वैक्टर जो मेरा है दैट इज 3/2 टाइम्स ए जी वैक्टर। ये क्वेश्चन कैन आई से फ्रॉम दिस फिगर्स, बिकॉज ये अगर 2x है ये x है, टोटल अगर 3x है, टोटल 3x है और ये 2x है, तो 3x 2x का कितना है 3/2 टाइम्स, तो ए जी वैक्टर इज 3/2 टाइम्स ए जी वैक्टर। अब ए जी वैक्टर उठा के इधर रख दो, तो सिग्मा ए जी वैक्टर को 2/3 टाइम्स ए डी वैक्टर, और 2/3 तो बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है, सिग्मा ए डी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। और ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, 2/3 को जीरो के पास ले गए, तो प्रूव हो गया ए डी वैक्टर इज सिग्मा। सिमिलरली ए डी की जगह वो जी डी भी दे सकता है इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट अगर लिखना चाहे तो प्रूव दैट सिग्मा जी डी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी दे सकता है। तो जी डी क्या होगा, 1/3 ऑफ ए डी ऐसे बोल सकते हो, या फिर हाफ ऑफ ए जी कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, चलो आगे बढ़े। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। चलो लिखो, अच्छा इसी को ना हम ऐसे नोट करके लिख लो, इफ़ यू वांट टू राइट इट, लिखो एक नोट करके लिखो इसी के हिसाब से। अभी हमने क्या देखा, सिग्मा ए जी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो अब नोट क्या बोल रहा है कि अगर मान लो
कि उसने दे दिया एक ट्रायंगल के लिए सिग्मा ए टाइम्स ए के वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. उसने दे दिया इफ इन अ ट्रायंगल, ऐसे लिखो इफ इन अ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज कि जो के होगा ना हमारा दैट इज सेंट्रॉइड. उसी का जस्ट उधर हमने जो लिखा था वही चीज इधर है, उल्टा बोला है. तो लिख लो इसको, ऐसे लिख लो प्रॉपर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन सिग्मा के ए वैक्टर इक्वल्स टू जीरो वैक्टर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, वही जो मैंने अभी बोला इफ एंड ओनली इफ के इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी. इफ के इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, वही चीज है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना. तो कॉपी कर लो इसको, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है. तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, वही चीज़ है. अगर मान लो कहीं भी मुझे दिया है किसी भी ट्रायंगल के लिए सिग्मा ऑफ ए तो एक वर्टेक्स है उसकी और कुछ भी पॉइंट लिया, लेट्स से जी लिया के लिया अल्फा, तो हम अगर वो सिग्मा जीरो है तो विच इम्प्लाइज की जो वेरिएबल वाले फिक्स वाला पार्ट था ना पॉइंट, तो वो हैज टू बी अ सेंट्रॉइड, ठीक है ना. अब लिखो नेक्स्ट, सेम जैसे आपने अभी सेंट्रॉइड के लिए किया वैसे इन सेंटर के लिए. इन अ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट सिग्मा ऑफ ए टाइम्स ए आई वैक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर. प्रूफ टाइम्स, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना. अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे. तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो वो पोजिशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है ना. वो कैपिटल ए वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का. तो इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो क्या लिख क्या हो रहा है बेसिकली ओपन करके सिग्मा के टर्म्स में. तो दिस इज ए ए आई प्लस बी बी आई प्लस सी सी आई वेक्टर इक्वल्स टू जीरो. Getting it? अच्छा, अब इसको मैं ai को लिख रहा हूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ i माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a. तो ये हो जाएगा a टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ i माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a प्लस b टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ i माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ b प्लस c टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ i माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ c, ठीक है ना. अब मैंने ओपन कर दिया तो ए टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ आई बी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ आई सी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ आई. तो मैं पोजिशन वेक्टर ऑफ आई कॉमन ले लूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ आई, इधर क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस के साथ आ रहा है दूसरा पार्ट दूसरे तीन फैक्टर्स उसको मैं आर एच एस में लेके जा रहा हूँ. तो दैट इज ए टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी प्लस सी टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ सी और इस ए बी सी को नीचे ले आ रहा हूँ. देखो वही आ गया हमारा, समझ में आ रहा है. तो दिस इज ये क्या था बेसिकली, ये तो होता ही है ना हमारा ये इन सेंटर के लिए, तो उसी को हम उल्टा करके लिख देंगे इधर तक. गेटिंग इट, एग्जैक्टली सेम कहानी अब हम इसके लिए कर रहे हैं. थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, द रीज़न इज इट इज़ ईजी एक्चुअली, ठीक है ना. दिस इज ईजियर पार्ट और क्योंकि हमारा थोड़ा सिलेबस पीछे हो गया, मैं दो तीन दिन से काफ़ी स्लो जा रहा था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, प्रूव दैट सिग्मा tan a इंटू एच ए वैक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना. ये तुम्हें प्रूफ करना है मेरा एच इज ऑर्थो सेंटर. तो कुछ नहीं, वो जो ऑर्थो सेंटर वाला फॉर्मूला था ना हमारा ऑर्थो सेंटर का पोजिशन वैक्टर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सारे टर्म्स एक तरफ लाना, विल सी दिस थिंग, ठीक है ना. और सिमिलरली यू कैन से फॉर सरकम सेंटर सिग्मा साइन टू ए इंटू लेट से मैं सरकम सेंटर को ओ से डिनोट कर रहा हूँ तो ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू जीरो. तो दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है ना. क्या बोला, चलो एक बार हल्का सा बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा फास्ट. हमें पता है जो पोजिशन वैक्टर ऑफ ए है पोजिशन वैक्टर ऑफ एच मतलब वैक्टर एच ओनली एच मतलब पोजिशन वैक्टर दिस इज वॉट ए टाइम्स टेन ए प्लस बी टाइम्स टेन बी प्लस सी टाइम्स टेन सी डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड क्लब द टर्म्स यू विल गेट दिस, ठीक है. मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, दैट इज अप टू यू, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब जो क्वेश्चन है
वो हम 9-10 में पढ़ते हैं एज अ थियरम, तो हम उसका प्रूफ देखेंगे यूजिंग वेक्टर्स। बाकी उसका प्रूफ नॉर्मल तुमने देखा होगा, मतलब 9-10 क्लास में। तो मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले बता देता हूँ, ये ट्राइंगल है लेट्स से, दिस इज ट्राइंगल ABC, हमने दो कोई भी दो साइड ली, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये जो साइड होती थी दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट, मतलब ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ होगी। ये हम थियरम पढ़ते हैं 9-10 में, तो चलो कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। अच्छा, अब इन सच क्वेश्चन ना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आगे भी आएंगे अभी, देखो ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इन सच क्वेश्चन, जैसे याद है अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कोई भी मान लो ट्राइंगल वगैरह दिया हो तो हम कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं। उसी प्रकार इधर भी हम वेक्टर्स में क्या करते हैं, जब हमें पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर एज्यूम करना होता है ना, तो कैलकुलेट वेरिएबल्स कम इन्वॉल्व हो, मतलब कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व हो, तो हम क्या करते हैं कोई भी एक वर्टेक्स का पोजिशन वेक्टर ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब हम उसके रिस्पेक्ट में डील करते हैं। तो लेट्स से मैंने पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मान लिया 0, मतलब दिस इज माई ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं को मैं बचे हुए पोजिशन वेक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, तो लेट्स से पोजिशन वेक्टर ऑफ बी इज स्मॉल बी, और जितना कम हो सके उतने वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए, और सी का पोजिशन वेक्टर इज स्मॉल सी। अब ऐसे नहीं डी का और ई का भी एज्यूम कर लिया, नहीं, अब मैं डी और ई का जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से आई विल राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ डी एंड ई। तो ई का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ई इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, तो मिड पॉइंट मतलब दिस प्लस दिस बाय 2, तो दिस विल बी सी बाय 2। सिमिलरली पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, 0 प्लस बी बाय 2, मतलब बी बाय 2। अब देखो एक लाइन में आ जाएगा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, जो डी है दैट इज पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो अब मैंने एक बार तो बी सी वैक्टर लिख रहा हूँ मैं, बी सी लेंथ नहीं, बी सी वैक्टर क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, तो दिस इज सी माइनस बी, एंड वॉट इज डी वैक्टर, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ डी, सो ये हो जाएगा सी बाई 2 माइनस बी बाई 2। नाउ यू कैन सी कि जो वैक्टर है ये डी ई वेक्टर जो है दैट इज हाफ ऑफ सी माइनस बी। अब मुझे पता है कि कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो वो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस व्हाट आई कैन से, जो बी सी वेक्टर है एंड डी वेक्टर है आर पैरेलल, एंड सिंस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दिस, कैसे जैसे मैं इससे मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज वॉट मॉड ऑफ सी माइनस बी, और इसमें मैग्नीट्यूड लिखूंगा मॉड ऑफ डी वैक्टर, दैट विल बी माई हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी माइनस बी। नाउ यू कैन सी कि मैग्नीट्यूड भी हाफ है किसका, हमारे डी वैक्टर का। तो मैं फाइनली क्या बोलूँगा, क्या प्रूफ हो गया हमारा, कि जो डी वैक्टर है या फिर डी लाइन है वो हमारा बी सी के पैरेलल है, एक तो वो पैरेलल के लिए तो मैंने क्या बोला, दीज टू वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एंड हाफ के लिए मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों साइड, ठीक है। तो हेंस प्रूफ कितना आसान हो गया वेक्टर से, और सोचो जब हम वैसे करते हैं तो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आज इसी टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी देखने वाले हैं जहाँ हमें जो डायग्राम दिया उसमें वर्टेसेस एज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है ना, उनके पोजिशन वैक्टर्स एज्यूम करने पड़ते हैं, एंड फॉर लेस कैलकुलेशन इन सम ऑफ द केसेस वी आर एज्यूमिंग वन ऑफ द वर्टेक्सेस ओरिजिन, कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी तरीके का एक और क्या पढ़ते हैं हम 9-10 में, ट्रेपेजियम में क्या पढ़ते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रेपेजियम, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया, पहले लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी, पहले मैं एक बार बता रहा हूँ, आई विल डिक्टेट द स्टेटमेंट, ठीक है ना, मेरे पास लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। मैंने बोला कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, जो ये जो दोनों पैरेलल साइड्स है ना इनके पैरेलल होगा एक तो, एंड सेकेंड थिंग इज दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो फॉर एग्जाम्पल चलो स्टेटमेंट पहले लिख लो, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ
non-parallel sides of a trapezium is parallel to the parallel sides, जो sides parallel है उनके parallel होगा, and is half of their summation. ठीक है, तो करो एक बार ट्राई करो. मैंने क्या बोला, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस यू कैन टेक एनी वन ऑफ द वर्टेक्स एज ओरिजिन, सो दैट हमारे जो हम एज्यूम करेंगे पोजिशन वेक्टर्स वो कम कैलकुलेशन होंगे, कम इन्वॉल्व होंगे ना वेरिएबल्स. तो लेट से मैंने इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, कोई भी एक वर्टेक्स को. सर इसको ही क्यों माना, इसको मान लेते, बिल्कुल मान लेता, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, मान लिया तो इसको मान के कर लो भले. ठीक है, चलो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ बाकी वर्टेक्स, एक मैं नाम और कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ. चलो एक बार तुम लोग करो, ये डायग्राम है, ये व्हाट यू हैव टू प्रूव बेसिकली कि जो ई एफ है इज पैरेलल टू सी डी लिख दो. और मुझे पता है ये तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ. और मेरे पास गिवन क्या है कि जो ई एंड एफ है दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी. ठीक है ना, और एक और चीज प्रूफ करना है, एक तो ये करना ही है कि जो ई एफ है वो मेरा सी डी और ए बी के पैरेलल है. ऑल्सो वी हैव टू प्रूफ कि ए बी ई एफ का जो मैग्नीट्यूड है ना दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू. मतलब वी हैव टू प्रूफ ई एफ का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ई एफ का मैग्नीट्यूड, या फिर लेंथ के टर्म्स में लिख लेते हैं हम, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी प्लस ए बी. दीज टू थिंग्स वी हैव टू प्रूफ. ठीक है ना, एज्यूम करें वेक्टर. चलो तो लेट्स से मैंने बी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी मान लिया, सी का सी मान लिया. अब इस वाले सी पॉइंट, सॉरी डी का डी, इसका डी मानेंगे. अब इस पॉइंट सी का क्या मैं पोजिशन वेक्टर सी भी मान सकते हो, बट थोड़ा वेरिएबल कम इन्वॉल्व हो तो. चलो एक काम करते हैं, दो तरीके से बताता हूँ मैं. ठीक है, लेट्स से थोड़ा मैंने बोला डबी हो गया. ठीक है चलो, अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से सुनना एक बार, मैंने बोला कि मुझे, मैंने अभी सी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिखना है, बट मुझे एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है वाइल राइटिंग द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी कि जो सी डी है दैट इज़ पैरेलल टू ए बी. मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं. अब मुझे पता है ये वेक्टर क्या है मेरा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस जीरो, मतलब दिस इज वेक्टर बी. तो इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. बिल्कुल, अगर कोलिनियर पैरेलल है तो मैं इसको लैम्डा बी एज्यूम कर सकता हूँ. तो लैम्डा बी लिखने से क्या हो गया ना, मैंने मेरा ये इन्फॉर्मेशन यूज हो गया इस डायग्राम में कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी. माई सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये फैक्ट यूज हो गया इफ आई हैव रिटन दिस लैम्डा बी, बिकॉज दिस वेक्टर इज बी. And since these two are parallel, so this will be scalar multiple of this lambda b. अच्छा, अब मैंने बोला c का position vector लिख सकते हैं क्या? अब मुझे a से c जाना है. ये origin है. This is what c का position vector, मतलब किसी point का position vector क्या होता है? उस point उनको origin से join करने वाला. Origin मेरा ये है. अब मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का vector क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक गए हम और जो भी रास्ते में vectors मिला उनको add कर दिया. तो ये vector क्या हो गया? ये vector d है. क्योंकि ये origin, ये पोजीशन वेक्टर डी है, तो ये वेक्टर डी हो गया और ये लैम्डा बी हो गया. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, आगे भी अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें ये सब यूज होगा. ठीक है ना, मैंने कैसे लिखा है डी प्लस लैम्डा बी, मैंने एक और वेक्टर एज्यूम नहीं किया सी, अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता. और फिर वो सी लिखते वक्त मैंने को फिर वो अलग से मुझे इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ती कि सी डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, फिर मुझे एक और इक्वेशन लिखनी पड़ती. अब मेरी थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई, मैंने इस डायग्राम में ही ये फैक्ट यूज़ कर लिया वाइल राइटिंग दिस लैम्डा बी कि जो सी डी वैक्टर है दैट इज पैरेलल टू ए बी. अब मैं ई और एफ के पोजिशन वैक्टर लिख लेता हूँ. तो ई का पोजिशन वैक्टर क्या हो गया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो जीरो प्लस डी बाई टू, तो डी बाय टू. सिमिलरली पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो डी प्लस बी प्लस लेमडा बी बाई टू, विच इज डी बाई टू प्लस वैक्टर बी इंटू वन प्लस लेमडा बाई टू. देखो ये मेरा पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ आ गया एंड दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ई. अब मुझे निकालना है ई एफ वैक्टर, तो क्या करें, ई एफ वैक्टर क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ई.
तो ई एफ वैक्टर, ई एफ वैक्टर इज पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ई. तो एफ का पोजिशन वैक्टर ये है, तो ये हो गया डी बाई टू प्लस वैक्टर बी इन टू वन प्लस लेमडा बाई टू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ई विच इज डी बाई टू. तो ये कैंसिल हो गया. वट वी आर गेटिंग, इट इज इक्वल टू बी बाई टू टाइम्स वन प्लस लेमडा. अब दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है. तो ई एफ वैक्टर है, वन प्लस लेमडा तो एक स्केलर होगा, वन प्लस लेमडा बाई टू, और मुझे पता है कि ये वैक्टर बी है. तो जो ई एफ वैक्टर आया दैट इज वॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ बी. That is what this implies. EF is parallel to AB. Get it? मतलब इसी क्वेश्चन को दोबारा ऐसे लिख लो, नहीं तो EF वेक्टर क्या मिला मुझे, 1 plus lambda by 2, और वेक्टर B जो है that is nothing but AB वेक्टर. ऐसे लिख लो. Hence proof. अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ है, कौन सा, कि जो ई एफ वैक्टर है दैट इज पैरेलल टू ए बी वैक्टर बिकॉज ई एफ इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वैक्टर ए बी. अब क्या करें, अब वो और देख लेते हैं कि ई एफ वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो इन दोनों वैक्टर्स के सम का हाफ आ रहा है या नहीं. अच्छा एक काम करता हूँ, वो तो मैं दे देता हूँ पार्ट, छोटा सा ही पार्ट है. जस्ट यू हैव टू टेक मैग्नीट्यूड, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लो, फिर ये वैक्टर और इन दोनों का मैग्नीट्यूड का एडिशन करो, तो वो एडिशन जो आएगा उसका हाफ करना, तो ई एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड देखना उसके हाफ के बराबर आ रहा है या नहीं. क्या बोला दोबारा, ये ई एफ वैक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड बस इधर मॉड लगाना है. उसके बाद क्या करोगे तुम, ये वाला वैक्टर लिखोगे विच इज़ लैमडा बी ओनली एंड फिर दिस इज बी. चलो कर ही देता हूँ, छोड़ो वो छोटा सा ये. बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है ना. मैं इसको रब कर रहा हूँ. मैंने बोला ई एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ वैक्टर इज सिंपली बी बाई टू टाइम्स वन प्लस लैमडा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना. अच्छा अब मैंने लिखा सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड. सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज सिंपली मॉड ऑफ बी लैम्डा बी. ये लैम्डा बी वैक्टर है ना, इसका मॉड. और जो मेरा ए बी वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी. नाउ यू कैन सी कि अब मुझे एक चीज़ और पता है, देखना. वैसे तो अपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा था, ध्यान से देखो इधर, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. याद आया कुछ, बट मैंने बोला था इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर. अब मुझे पता है कि ई एफ सी डी और ए बी दीज थ्री आर कोलिनियर वैक्टर्स. तो अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो मैं इफ आई वॉन्ट टू एड दीज टू वैक्टर्स, तो आई कैन सिंस दीज टू आर कोलिनियर, तो आई कैन सिंपली से इट इज मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स लैम्डा प्लस वन टाइम्स बी. वैसे तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता था, बट वी नो वेक्टर बी इज कोलिनियर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है ना, दिख रहा है क्लियरली यार कि ये वेक्टर बी है, ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी है. तो इन दोनों का एडिशन क्या हुआ, लैम्डा प्लस वन टाइम्स बी वेक्टर. नाउ यू कैन सी दिस टू, इन दोनों में रिलेशन, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस. तो वही तो मुझे प्रूफ करना था, ई एफ इज हाफ ऑफ सम ऑफ दिस टू, ठीक है. अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप बोल रहे थे दो तरीके से, तो दो तरीके से मैं चलो मैं बता देता हूँ डायग्राम में, दैट यू कैन ट्राई. इसको रब कर रहा हूँ मैं, कॉपी करो इसको, कि जैसे मान लो तुम्हें ये फैक्ट यूज़ नहीं करना होता, ठीक है ना. चलो मैं एक डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा इसमें मिक्सअप हो गया. मैथड टू, दैट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन और मुझे सोल्यूशन भेजना तुम लोग, ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ देखना ध्यान से, ओरिजिन तो मैंने माना कन्वीनियंस के लिए. लेट्स से दिस इज माई वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी, दिस इज वर्टेक्स सी. इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया. मैं बोल रहा हूँ ये तीन एज्यूम करके नाउ यू कैन एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है ना, कि तुम्हारा सेम आ रहा है या नहीं. बट अभी मैंने इतना लिखने पे ना एक चीज़ है, एक चीज़ का प्रॉब्लम है बस छोटा सा, कि मैंने प्रॉब्लम मतलब उसको हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, कि अभी हमने डायग्राम में ये फैक्ट यूज़ नहीं किया कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी. तो जो तुम रिजल्ट निकालोगे ना उसमें तुम्हें ये फैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और उसी फैक्ट को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, कि जो सी डी वैक्टर है, सी डी वैक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स ए बी वैक्टर. और सी डी वैक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वैक्टर इज बी माइनस जीरो. तो ये इक्वेशन तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा कब, ड्यूरिंग द डेरिवेशन. और वैसे भी दिख रहा है, देखो अब याद है अपने ऐसे लिखा था, इधर से सी वैक्टर क्या आया, वैक्टर डी प्लस लैम्डा टाइम्स वैक्टर बी, यही हमने लिखा था इसका पोजीशन वेक्टर. देखो डायरेक्ट वैसे ऐसे,
ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन था सीखने के लिए, और क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा इसी पे फोकस है, वो सारे क्वेश्चंस जिसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है ना। और कन्वीनियंस के लिए हम किसी भी एक को ओरिजिन मान लेते हैं और बाकी को उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, कीपिंग दैट इन माइंड कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है, सो दैट हमारे वेरिएबल्स कम से कम यूज हो। चलो लिखो नेक्स्ट। देखो इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन, क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग, क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इन ऑर्डर विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसके और भी पार्ट्स हैं बट पहले इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो उसने क्या बोला, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी के बारे में उसने नहीं बोला कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमें जनरल लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने एक कोई भी ले लिया, लेट्स से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसने बोला कि अब वो क्या बोल रहा है, अब हमने इनके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जो इसकी साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स, तो लेट्स इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, उसको मैं बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और चलो मैं वर्टेक्स को बाहर मान लेता हूँ कुछ भी, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है, और लेट्स से दिस इज, इसको ब्लू कलर से मानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट यू हैव टू प्रूव ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, सिंपल है, ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, और मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, पोजिशन वैक्टर एज्यूम करेंगे, तो मैंने मान लिया पोजिशन वैक्टर ऑफ ए इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब कोई बोलेगा सर ओरिजिन क्यों नहीं माना, मान लो तुम, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट फॉर लेस यू कैन मेक एनी वन ऑफ द वर्टेक्स इज ओरिजिन, यू कैन डू दैट, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इससे भी बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, बट अदरवाइज यू कैन टेक एनी वन ऑफ द वर्टेक्स इज ओरिजिन ऑल्सो, ठीक है। चलो अब मेरे को पता है कि एफ इज वॉट, मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, सो दिस विल बी बी प्लस सी बाई टू, इसका पोजिशन वैक्टर, और ई का पोजिशन वैक्टर विल बी ए और बी का मिड पॉइंट, तो ए प्लस बी बाई टू। सिमिलरली एच का मिड, एच का पोजिशन वैक्टर इज ए प्लस डी बाई टू, एंड जी का पोजिशन वैक्टर इज सी प्लस डी बाई टू। गेटिंग इट, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब एक चीज़ और, कि मान लो मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें मुझे प्रूफ करना है दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं हम, एक बार मैंने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था, तो मैं थोड़ा सा उसका पार्ट बता रहा हूँ। लेट्स से मुझे प्रूफ करना है कि ये दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो मैं क्या क्या प्रूफ कर सकता हूँ, कि एक तो मैं ये बोलूँ कि अपोजिट पेयर अगर पैरेलल प्रूफ कर दिए मैंने, तो मेरा हो गया ये पैरेललोग्राम है। या फिर एक और चीज़ बताई थी मैंने, कि अपोजिट पेयर मतलब मुझे दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड एंड मतलब ये भी और ये भी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम क्या करते हैं, कोई भी एक अपोजिट पेयर पैरेलल के साथ साथ इक्वल प्रूव कर दें तो भी चलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पेयर उठा लिया, मैंने कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ऑल्सो इक्वल, मतलब ए बी, ए बी लिखा है, याद आया कुछ, मतलब अपोजिट कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल दोनों एक साथ है तो वो पैरेललोग्राम हो गया, या फिर अपोजिट पेयर, फिर मुझे दोनों पेयर लेने पड़ेंगे, दोनों को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोई भी एक चीज़ कर लो इसके लिए, कोई भी एक चीज़, तो लेट्स से मैं नीचे वाली कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि लेट्स से मैंने एक एक ये वाला ये वैक्टर पकड़ा और एक ये वैक्टर पकड़ा, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलिनियर है, तो प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये वैक्टर जो मैंने लिखा एच ई वैक्टर, ये क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ एच, तो जाएगा ए प्लस बी बाई टू माइनस ए प्लस डी बाई टू, तो ये कितना आया बी माइनस डी बाई टू। अच्छा सिमिलरली ये वाला जो वैक्टर है जी एफ वैक्टर, ये मेरा क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ जी, तो दिस इज बी प्लस सी बाई टू माइनस सी प्लस डी बाई टू, तो ये कितना आ गया बी माइनस डी बाई टू। नाउ यू कैन सी
कि जी एफ और एच ई दोनों के वेक्टर मेरे कोलिनियर है, बेसिकली सेम ही वेक्टर आ रहे हैं, तो पैरेलल भी है, मतलब सेम आ रहा है तो कोलिनियर ही है, और मैग्नीट्यूड दिख ही रहा है, दोनों वेक्टर ही बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स बराबर हो गई। तो इतना प्रूफ करना इज सफिशिएंट टू टेल कि हमारा जो एच ई एफ जी है दैट इज माई पैरेललोग्राम। आई होप क्लियर हुई होंगी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं दो क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद उनको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखो, लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अच्छे क्वेश्चन है, दोनों अच्छे, जो अभी पढ़ा हमने उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। कहीं से कोई हेल्प नहीं लेना, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। जितना भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है चलेगा, बट डोंट सी हेयर एंड देयर फॉर सॉल्यूशन, ठीक है ना? जितना तुम्हें आ रहा है उतना मुझे सेंड करो, ठीक है ना? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू divides BC and DC in the ratio, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन द रेशो 2:3 एंड 1:4 respectively, then find the ratio, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ratio in which find the ratio in which AC divides PQ. Second question, if ABCDEF is a regular hexagon where M is the midpoint of D, proper likhna, and where capital M is the midpoint of DE, comma capital N is the midpoint of AM, P is the midpoint of BC, and if NP वेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, स्पेशली इवन एडवांस में आने लाइक क्वेश्चन है ये। एंड इफ NP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स AF वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। देखो दोनों ही क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, देखो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी कुछ सीखने मिलेगा, बताऊंगा कल की क्लास में क्या। और दोनों ही क्वेश्चन में हमें वही चीज़ यूज़ करनी है कि पहले डायग्राम बना के हमें कोई भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लो, सो दैट कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व हो, प्लस जो इन्फॉर्मेशन दिए ना उसको यूज़ करते जाओ वाइल राइटिंग द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब अलग से इक्वेशन ना लिखना पड़े, एक कोशिश रहेगी हमारी क्या कि हम बच्चे जैसे एक को तो मैं एक पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ओरिजिन, बच्चे के जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स मानो, कीप वाइल कीपिंग इन माइंड जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज़ हो जाए, सो दैट वेरिएबल्स कम इन्वॉल्व होंगे। सिमिलरली हियर आल्सो, जैसे इसमें हेक्सागन दिया है तो ऐसा नहीं कि तुम सारे वर्टेक्सेस, जैसे सभी वर्टेक्सेस के पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी ई एफ मान लो, तो छः पोजीशन वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतना नहीं करना है हमें, मिनिमम से मिनिमम चाहिए। सो फिर वो फैक्ट मैं यूज़ करूँगा कि हेक्सागन में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और रेगुलर दिया है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। फैक्ट यूज ऑल दीज फैक्ट्स व्हाइल राइटिंग द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ओके? ये चीज़ दिमाग में बैठाओ एक्सक्यूज मी, और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है ना? मुझे अपडेट करना, डोंट सी हियर एंड देयर फॉर सॉल्यूशन, जस्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ, ओके? और फिर कल मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके? दैट्स इट आज के लिए, थैंक यू।